ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡಗೆ ವಿಕಾರ ವಿಕಾರ ರಾಯಚೂರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡಗೆ ವಿಕಾರ ವಿಕಾರ आज हम लोगों ने गुलबर्गा सिटी में ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका वजह है जो पिछले 26 हमारे 26 तारीख के दिन हमारे गणराज्योत्सव जिस दिन था, उस दिन रायचूर में जो डिस्ट्रिक्ट का जज मल्लिकार्जुन गौड़ा, जिन्होंने एक न्यायाधीश बनकर हमारे भारत देश के संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका फ़ोटो निकालने के बाद ही मैं पूजा करूंगा और तिरंगा का ध्वज चढ़ाऊंगा, ऐसी हरकत की है, ऐसी गिरोह ने हरकत की है। इसलिए हम लोगों को, हर भारतवासी को ये गलत नाइंसाफी दिख रही है, क्योंकि ये भारत देश में हम लोग आज़ाद से जी रहे हैं। हम लोग कानून की तौर पर सब लोगों को, हर जात के, हर कौम के लोगों को एक अधिकार मिला है, जो अधिकार संविधान से ही मिला। ये कलबुर्गी नगर में जो गुलबर्गा शहर का डीसी और गुलबर्गा का उस्तुवारी सचिव मुरगेश निराणी, जिन्होंने भी गुलबर्गा में जो पुलिस का ग्राउंड है उधर ध्वजारोहण किया, उस टाइम में भी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं रखे, इनका हम लोगों के सामने नहीं आया ज़्यादा। ये सरकार क्या करने बैठी है, ये सरकार क्या कर रही है? एक तरफ सरकार का मंत्री ध्वजारोहण करने के टाइम में फोटो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं रहता, उधर ध्वजारोहण सरकार करती है, और दूसरी तरफ एक डिस्ट्रिक्ट का न्यायाधीश जिन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो निकालते हैं, तो ये इनका वजह क्या है, इनका मकसद क्या है, ये सरकार क्या करना बैठी है? हम लोग इसलिए सरकार को और ये जो न्यायाधीश है, इसको हम बहुत बुरी तरह से खंडन कर रही है। जो आजकल हम लोगों को एक ये लोगों के लिए जो न्यायाधीश है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दाखिल करना चाहिए, और गुलबर्गा जो उस्तुवारी मिनिस्टर है उसको गुलबर्गा से हटाना चाहिए। गुलबर्गा में आके ध्वजारोहण करते टाइम ने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं, वो पूजा नहीं किए, ये सब जानबूझकर ये चल रही सरकार का नाटक चल रही है। ये कर्नाटक में जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पिछड़े जात के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो कोली समाज है, जो कुरुब समाज है, ऐसे बैकवर्ड्स क्लासेस है, जो ईडिक समाज है, ये सब लोगों को ये लोग नाइंसाफी कर रही है। सर, जिस तरह लास्ट टाइम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहाँ मांग रखी गई थी कि सस्पेंड किया जाए जज को, जो है सस्पेंड किया जाए और पेंशन भी नहीं दिया जाए। हाँ, हम लोगों ने उस दिन ने जो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक हमारा दिन एक बात की गई थी कि ये न्यायाधीश को सस्पेंड करना चाहिए, उसका पेंशन बंद होना चाहिए, उसको अधिकार उसका अधिकार छीनना चाहिए। अगर अधिकार पर रहे तो ये सामान्य लोगों को इंसाफ नहीं कर सकता, ये बुरी तरह से अब जात ऊंच नीच का उसका मन में फ़र्क है, ये इसको हटाए जब भी ये एक ये देशवासियों को, ये जो भारत संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब को एक संविधान को ये जो दिए, उनको गौरव दिए जैसा होता, इसलिए हम लोगों की ये आपके तरफ से सरकार को और जो राज्यपाल है उनको भी, जो न्यायाधिकरण रहता है उनसे भी हमारा विनंती है, ये जल्द से जल्द ये इसके ऊपर ये जज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ के राज्यपाल जो गुलबर्गा नगर का उस्तुवारी मिनिस्टर है उसके ऊपर वो एक्शन लेना चाहिए। जो यहाँ से गए डीसी, उन्होंने भी ऐसी हरकत की है, उनको भी ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हम लोगों ने आल कर्नाटक में और इससे भी ज़्यादा होराट करेंगे, धरणी सत्याग्रह करेंगे। हमारे जो महान नेता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके लिए हम सब लोगों ने एक होने के बाद हम होराट, हमारे जो हक है वो मिलता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जो जीते हुए टाइम में भी हम लोगों को बताया
जब तक आप पिछड़े जात के लोग हैं, जब तक आप एक नहीं होते, हर कौम के पिछड़े जात के लोग एक नहीं होते, तो ये लोग आपके ऊपर राज करते ही रहेंगे, ये आपके ऊपर जुर्म करते ही रहेंगे, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले सो है। ये हम लोगों सब लोग ये जानना चाहिए, जब तक ये जान के हम लोग सब एक होके अपना हमारा जो हक है हम लेंगे।